नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित 15 प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी। ये जिला अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। नंबर एक, नरसिंहगढ़ शहर। ये शहर करीब 300 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसकी स्थापना दीवान परशुराम जी ने 1681 में करवाई थी। इस शहर में स्थित सुंदर झील है, जिसमें प्राचीन किले की झलक देखने लायक है। नंबर दो, छोटा महादेव। राजगढ़ जिले में स्थित ये स्थान भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शरद महीने में ये जगह बेहद ही खूबसूरत हो जाती है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और झरने मन को हर्षता से भर देते हैं। नंबर तीन, श्यामजी सांका मंदिर। सांका पार्वती नदी के करीब स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ स्थित प्राचीन श्यामजी मंदिर का निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण कला मालवी और राजस्थानी शैली से मेल खाती है। नंबर चार, चिड़ीखो। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह राजगढ़ जिले की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह मालवा का कश्मीर कहलाती है। यह स्थान चिड़ीखो अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर स्थित चिड़ीखो झील प्रवासी और गैर प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर पाँच, दरगाह शरीफ राजगढ़। हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्ला के नाम से मशहूर बुजुर्ग सूफी पीरे तरीकत की ये दरगाह राजगढ़ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर छः, जालपा माता मंदिर। यह सुंदर मंदिर राजगढ़ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऊंची पहाड़ी पर बसा है। ऊपर से शहर का सुरम्य नज़ारा तो देखते ही बनता है। यहाँ के घने जंगल में स्थित प्रमुख पौधे विभिन्न किस्मों के हैं। भक्त नवरात्रि के समय यहाँ बड़ी संख्या में अपनी मुरादें मांगने आते हैं। नंबर सात, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जीरापुर। भगवान हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर राजगढ़ जिले के जीरापुर में स्थित है। ये मंदिर भक्तों की आस्था का अद्भुत केंद्र है और राजगढ़ जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर आठ, कुंडालिया डैम। ये शानदार डैम जीरापुर के करीब स्थित है। ये डैम राजगढ़ जिले में सिंचाई आपूर्ति का प्रमुख संसाधन है। आसपास के कई गांवों के किसान इस डैम के पानी का उपयोग कृषि कार्य के लिए करते हैं। यहाँ के दृश्यों को देखने के लिए समय समय पर यहाँ पर्यटन आते रहते हैं। नंबर नौ, ब्यावरा मांडू। यह स्थान 1000 साल से भी अधिक पुराना है। इसका नाम कुलमी पटेल के नाम पर रखा गया है। यह स्थान 1813 से 1847 के बीच हुई ऐतिहासिक लड़ाई के समय उपयोग में लाया गया था। नंबर 10, कोटरा। कोटरा एक पहाड़ी का स्थान है और घना जंगल होने के कारण यहाँ शेर, चीते, तेंदुए, सांभर, चीतल, हिरण आदि वन्य जीव आसानी से नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखने यहाँ पर्यटन आते रहते हैं। नंबर 11, खोपरी महादेव। खोपरी महादेव भगवान शिव के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है और राजगढ़ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजगढ़ के फेमस पिकनिक स्थलों में से एक है। नंबर 12, भैंसवा माता मंदिर सारंगपुर। माता भैंसवा को समर्पित ये प्रसिद्ध मंदिर राजगढ़ सहित आसपास के जिलों के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी आस्था को प्रकट करने आते हैं। ये राजगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। नंबर 13, राजगढ़ का किला। ये ऐतिहासिक किला राजगढ़ नगर में स्थित है। इसे मान्यागढ़ का किला भी कहा जाता है। इस किले का नामकरण चंदेलों की कुल देवी मान्या देवी के नाम पर रखा गया है। ये स्थान राजगढ़ में पर्यटन और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 14, गऊ घाटी। ये राजगढ़ जिले का एक प्राकृतिक स्थान है।
जो नरसिंहगढ़ शहर के करीब मौजूद है। ये स्थान अपने झरने के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के मौसम के समय यहाँ का रमणीय नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। नंबर 15, बैजनाथ महादेव मंदिर। ये शानदार मंदिर बेहद ही खूबसूरत जगह पर स्थित है। यहाँ पूर्ण पारदर्शक पानी की झीलों के कारण बहुत ही आकर्षित करते हुए दृश्य दिखाई देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय राजगढ़।